हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है एमडीएफ बोर्ड। आप देख सकते हैं 6 लिए हैं, 3x3 के, मतलब एक पूरा स्क्वायर ही बनाया है, 3x3 के है सब। तो यहाँ पे मैं इसे दूर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे है 2.2 के, मतलब 2.2 ओम का रजिस्टेंस। यहाँ पे लिया है मैंने बजर 3.2 वोल्ट का। और यहाँ पे मैंने लिया है एलईडी आप मैं ब्लू कलर के ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है BC547 ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे मैंने लिया है LDR, जो एक सेंसर है, वो आपको काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएगा। और इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस ट्रांजिस्टर को मैं MDF बोर्ड में लगाऊँगा, जिससे ये हिले डेलो ना, और मैं अच्छी तरीके से वायरिंग कर सकूँ। और इंटर ग्लू की मदद से मैं इसे चिपका दूँगा। और आपको चाहे तो नहीं चिपका सकते तो मत चिपकाना, आप नहीं चाहते तो मत चिपकाना। तो मैं इंस्टेंट ग्लू की मदद से मैं ये चिपका दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। तो मैंने चिपका दिया, मैं यहाँ पे दो होल कर दिया है बजर के लिए। बजर बजर का प्लस पॉइंट है, वो हमें उस तरफ रखना है ट्रांजिस्टर वाले पार्ट में। मैं ट्रांजिस्टर वाला, ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर वाली लास्ट बिट हमें बजर के प्लस पॉइंट पे लगा देनी है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें वायरिंग की डायग्राम मैंने दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे कर रहा है। मैं इसे सोल्ड कर दे रहा हूँ यहाँ पे अच्छी तरीके से। ये निकलना है इस तरीके से। यहाँ पे LED ली है मैंने, जो आपको जैसे ही आपने बजर में किया वैसे ही हमें LED पर करना है। प्लस वाला इस तरफ आएगा और माइनस वाला इस तरफ, तो इसको मैं कट कर दूंगा जिससे करके ज़्यादा पार्ट बचे नहीं। इसलिए मैंने कट करके दो होल कर दिए हैं, उसमें मैं LED को फंसा के सोल्ड कर दूंगा। तो प्लस वाला पॉइंट है वो बजर वाले प्लस पॉइंट में जाएगा, और जो माइनस वाला पॉइंट है वो हमारे बजर के माइनस पॉइंट में जाएगा। मैं जल्दी से सोल्ड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सोल्ड कर दिया है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से सोल्ड कर दिया है। और ये माइनस वाला जो पार्ट है तो वो वहाँ पे माइनस वाला लगा देंगे हम, और उसे भी सोल्ड कर देंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, रियल एक्सपेरिमेंट के साथ। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। तो मैं एक और MDF बोर्ड लूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे LDR लूँगा, इस LDR को यहाँ पे फंसा दूँगा। तो यहाँ पे मैं होल्ड कर दे रहा हूँ बे, और यहाँ पे मैंने दो होल कर दिए हैं MDF बोर्ड में, और यहाँ पे मैंने फंसा दिया है। और इस तरीके से मोड़ के इसे मैं सोल्ड कर दूँगा। और जो हमारी ट्रांजिस्टर वाली बीच वाली भी पॉइंट था, उसे हमने LDR में कनेक्ट कर देना है। और LDR में ऐसा कुछ नहीं होता, प्लस और माइनस। और जो LDR का दूसरा पार्ट है वो हमारे बजर के माइनस पॉइंट में जाएगा, ये आप खास ध्यान रखें, क्योंकि माइनस और प्लस में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होती है। और मेरा गला भी ख़राब है, इसीलिए मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो माइनस वाला पॉइंट है वो बजर के माइनस वाले पॉइंट में आ जाएगा, तो वहाँ पे मैं कर दूंगा। और जो MDF बोर्ड है उसको मैं सीक्वेंस में कर दूंगा, एकदम एक जगह खाली है उसको हम मैं एक एकदम चिपका टाइप दूंगा। यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया है जिससे ये गंदा ना दिखे, तो इसको ऐसे करके मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे LDR है, वहाँ पे हमारी आएगी लेज़र लाइट, जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से कनेक्ट करने के बाद 2.2K का हमें रेजिस्टेंस लेके इसको जॉइंट कर देना है। तो हमारे ट्रांजिस्टर के बीच वाले बीट लास्ट वाली डिजिट थी तो वहाँ पे सोल्ड कर दे रहे हैं एक पार्ट को। और जो हमारी ऊपर वाली, मतलब क्या, जो ट्रांजिस्टर वाली बीच वाली बीट थी वहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे दूसरा पॉइंट। और ये अच्छी तरीके से मैंने कर दिया है, और यहाँ पे मैं सोल्ड कर दूँगा इसे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और
और ये चोरी ना हो सके इसीलिए मैंने बनाया है, क्योंकि अभी चोरियाँ बहुत हो रही है, तो इसकी मदद से ये नहीं ज़्यादा होगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पूरा कर लिया है सोल्ड, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा डायग्राम भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और मैं डायग्राम वीडियो में भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो जो हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, वहाँ पे आएगा हमारा प्लस वाला पॉइंट, और जो बजर बजर वाला माइनस पॉइंट है, वहाँ पे आएगा हमारा माइनस वाला पॉइंट। तो मैं जल्दी से माइनस वाले पॉइंट पर लगा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने माइनस वाले पॉइंट से लगा दिया, अच्छी तरीके से सोल्ड कर दिया है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने पूरी पूरी सर्किट कंप्लीट कर दी है, तो अभी मैं सारे के सारे एमडीएफ बोर्ड के पार्ट्स को कनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद वीडियो में आगे मिलते हैं आपको। तो जल्दी मैं कनेक्ट कर देता हूँ जल्दी से इसे, और इसका टेस्टिंग भी बाद में दिखा दूंगा मैं। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया है, अभी सूखा तो नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया है सारे के एमडीएफ बोर्ड को। तो यहाँ पर टेस्टिंग पर चलते हैं, तो टेस्टिंग पर देख सकते हैं आप, ये देखिए बजर बज रहा है अभी, और अभी तो अभी बजर बजेगा ही, क्योंकि हमने लेजर लाइट है जो हमारी, वो मैंने कनेक्ट नहीं की है। देखिए जैसे ही लेजर मैं उस पर कर रहा हूँ, वैसे बजर बंद हो जा रहा है। तो ये 9 वोल्ट की बैटरी से भी आप कर सकते हैं, तो मैंने 9 वोल्ट की बैटरी ली है और वायर से ज्वाइन कर दिए, और यहाँ पे लेजर लेजर में एलडीआर है, वहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही हाथ रख रहा हूँ, वैसे लाइट बंद हो जाती, चल जाती। देखिए बजर भी बज रहा है, तो आपको बजर और एलईडी का पॉइंट लंबा देना है, मतलब वायर से कनेक्ट कर देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा, कोई भी आने की कोशिश करेगा तो ये तुरंत आपको कवर कर देगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भी ऐसा ऐसा वैसा होता है, मतलब थोड़ी सी लेज़र भी हट जाती है, तो ये बजर इतना ज़्यादा लाउड है कि बहुत ही अच्छी तरह से ढंग करता है। और यहाँ पे मैंने ली थी लेज़र, आप अच्छी सी लेज़र भी ले सकते हैं। तो यही था, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।